हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चावल के आटे के पापड़। तो मैंने एक छोटी कटोरी चावल का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी और इसको हम पेस्ट की तरह एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से घोलेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और थोड़ा पानी इसमें डालते रहेंगे। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से फैट रही हूँ ताकि इसमें एक भी लम्स ना हो। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें हम और पानी डालेंगे और मैं इसमें धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ। और मैंने एक छोटी कटोरी पानी लिया था तो उसका कम से कम 8 से 9 गुना पानी इसमें पड़ेगा। एक कटोरी चावल का आटा है तो 9 कटोरी इसमें पानी पड़ेगा, मतलब जो मैंने ये बर्तन लिया है ये पूरा बर्तन भर जाएगा, मतलब पानी से हम इसको पूरा फुल करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालती जा रही हूँ और मैंने गैस पे रख दिया है और ये गाढ़ा होता जा रहा है। तो ये देखिए, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और ये गाढ़ा हो रहा है, तो इसमें मैं गुनगुना पानी ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से पकने देंगे। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें गुनगुना पानी डालिएगा ऊपर से, और इसमें लम्स बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए इसको हम चलाते रहेंगे। और ये देखिए, 1 गिलास पानी मैंने और डाला है इसमें, तो बस इससे ज़्यादा पानी ऐड इसमें नहीं करेंगे। अब इसको लो फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे, करीबन 15 से 20 मिनट का टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि अगर चावल कच्चा रहेगा तो पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे। तो गैस की फ्लेम लो कर दी है और इसको हम चलाते रहेंगे इस बीच में, और 15 मिनट हो गए हैं हमें इसे पकाते हुए। तो अब इसमें डालेंगे हम नमक डालेंगे, बिल्कुल कम डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं हमें ऐड करना है, नहीं तो नमक तेज हो जाता है तो पापड़ अच्छे नहीं बनते। और मैंने इसमें जीरा डाला है, आप चाहे तो इसमें धनिया की पत्ती या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो आप डालिए, लेकिन जो जीरा है वो आप थोड़ा लास्ट में डालिएगा, नहीं तो पापड़ फट जाते हैं। तो बस, और इसकी एक निशानी है चावल पकने की, इस तरह से साइड में पपड़ी सी इस तरह से जमने लग जाती है तो आप समझ जाएं कि चावल एकदम से पक गया है, अच्छे से हो गया है। तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे और जब ठंडा होगा तो ये थोड़ी इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो अब इसको लेके जा रहे हैं हम धूप में। धूप में मैंने एक लिफाफा बिछाया है, लिफाफे साफ करके अब इसमें हम स्पून की हेल्प से, छोटा स्पून ले लीजिए इस तरह से, आप इसको कितना पतला या मोटा रखना चाह रहे हो उस हिसाब से आप बनाइए। तो जो नॉर्मल आप स्पून खाने के लिए लेते हैं ना, वो स्पून से भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। अगर ये थोड़ा मोटा हो जाता है तब भी पापड़ अच्छे ही बनते हैं। ये देखिए, मैंने सारे पापड़ बिछा दिए हैं, अब इसको अच्छे से धूप लग जाने के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से सूख गए हैं। अब इसको हम फ्राई करते हैं, तो मैं इसको अभी सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ, और बाकी रिफाइंड ऑयल में ये और अच्छे से बनते हैं और अपने साइज से डबल हो जाते हैं। तो ये देखिए, चावल के आटे के पापड़ बनके रेडी हैं। तो होली में आप भी इसको बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।